पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में रेप पीड़ित युवती को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद देश का राजनीतिक माहौल गर्माने लगा। जेल भेजी गई युवती के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी ने पद यात्रा का आयोजन किया, जिसे प्रशासन ने निकालने से रोक दिया। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद समेत अन्य नेताओं के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है, जिससे नाराज कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने विरोध जता रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लाइन ले गई। चिन्मयानंद यौन शोषण प्रकरण के बहाने कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को छात्रा के समर्थन में पद यात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि शाहजहांपुर से लखनऊ में समाप्त होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए पद यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी इस बात पर अड़े रहे कि आयोजन करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अनुमति के लिए आवेदन किया था। दूसरी ओर आज सुबह से पुलिस ने कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। उनके घरों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी, साथ ही शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कार्यालय पर कई थानों की फोर्स लगा दी गई, जिसके बाद कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। जितिन प्रसाद ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस द्वारा रेप पीड़ित युवती के न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पदयात्रा निकली जानी थी, लेकिन उसे रोका जा रहा है। क्या वजह है, कौन सी शांति भंग की जा रही है? हमने पहले ही कह दिया था कि यह यात्रा शाहजहांपुर से निकलकर लखनऊ तक जाएगी और रेप पीड़िता के पक्ष में आवाज़ बुलंद की जाएगी, जो कि न्याय की गुहार लगा रही है। उन्होंने कहा कि शासन का यह फैसला कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं है। शाहजहांपुर से अमित शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कदम है कि न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, एक रेप पीड़िता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी यहाँ शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालने के एक संकल्प लिया गया है और उसको रोका जा रहा है। क्या वजह है कि यहाँ कौन से किस शांति का उल्लंघन किया जा रहा है? हमने पहले ही कह दिया कि हमारी यात्रा यहाँ से लेके लखनऊ तक जाएगी और उस पीड़िता की आवाज़ बुलंद करेगी जिसे न्याय की गुहार कर रही है। तो ये कौन सा हमने कानून का उल्लंघन किया जो आज रोका जा रहा है? ये बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल शासन दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कांग्रेस जनों को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस नेतृत्व को मंजूर नहीं है। सर, क्या पदयात्रा निकालेंगे सर?